हे हेलो किसान भाइयों, मैं हूँ आपका मछली वाला भैया इन्वेस्टर या फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सांप की तरह दिखने वाली हमारी एक प्यारी सी मछली चन्ना मारुलिस की, जिसको हम लोग स्नेक हेड बोलते हैं। बहुत जगह इसको खोक्सी बोला जाता है छत्तीसगढ़ी में। देखिए दोस्तों, चन्ना मारुलिस मछली की, स्नेक हेड मछली की जो सीड प्रोडक्शन करने का जो तकनीक है, मोस्टली उसको हेचरीज में किया जाता है, ठीक है। लेकिन आज का वीडियो है कि अगर आप अपने घर पर जो छोटा सा जमीन होगा वहां पर अगर आप चन्ना मारुलिस स्नेक हेड मछली का बच्चा का प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपका है, क्योंकि ये वीडियो बहुत कम खर्च में और आपको बहुत कम उपकरण की सहायता से अगर आप स्नेक हेड मछली का बच्चा प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपका है। देखिए दोस्तों, आपको किसी भी मछली का ब्रीडिंग या फिर प्रजनन कराने के लिए आपको तीन चार चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो आपके पास होना चाहिए एक तो कॉन्क्रीट का टैंक, जिसमें आपकी लंबाई होनी चाहिए 8 फीट, चौड़ाई होनी चाहिए आपकी 8 फीट, और उस जो टैंक आप तैयार करेंगे उसमें मिनिमम 15 सेंटीमीटर का पानी की गहराई होनी चाहिए। खासकर आप स्नेक हेड मछली का ब्रीडिंग कराते हैं तो उस टैंक में आपको हाइड्रिला या फिर आप जलकुंभी उसकी जरूरत पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों, आपको हार्मोन की भी जरूरत पड़ती है। हार्मोन मोस्टली आपकी ओवाटाइट, ओवाप्रिम, अगर ये उपलब्ध नहीं है तो आप HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, इसके अलावा अगर ये भी नहीं है तो आप जो पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सट्रैक्ट होता है उसको भी आप अपने मछली को ब्रीडिंग प्रोसेस के लिए हार्मोन के रूप में उपयोग कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको आपके पास के मार्केट में मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट में हमारी हार्मोन है वो अच्छे से उपलब्ध है। इसमें अगर आप सिंथेटिक हार्मोन ओवरटाइट ओवापिन यूज़ करते हैं वो ज़्यादा बेहतर रहता है स्नेक हेड मछली के ब्रीडिंग प्रोसेस के लिए। इन तीन चार चीज़ें, पहली बात मैंने बताया था, हार्मोन आपके पास होना चाहिए, एक कॉन्क्रीट का टैंक होना चाहिए। इसमें आपको दो टैंक की जरूरत पड़ती है एक्चुअली, एक होता है आपका ब्रीडिंग टैंक और एक होता है आपका रीयरिंग टैंक। तो दो टैंक आपको तैयार करना है। अगर आपके पास टैंक नहीं है तो जो बायोफ्लॉक का FRP टैंक रहता है ना, उसको भी आप ब्रीडिंग प्रोसेस के पर्पस के रूप में यूज कर सकते हो, ठीक है। इन सारी चीजों को उपलब्ध कराने के पश्चात हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दोस्तों, आपके ब्रूडर्स की, क्योंकि ब्रूडर से हमारा मेन इसमें हेचरी ब्रीडिंग प्रोसेस में कंपोनेंट होती है। अच्छे क्वालिटी की ब्रूडर की पहचान आपको होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, ब्रीडिंग के लिए हम लोग एक पेयर तैयार करते हैं जिसमें आपकी नर और मादा दोनों की उपलब्धता होनी जरूरी है। नर और मादा की पहचान मोस्टली हम मानसून सीजन में ही स्नेक हेड मछली की कर पाते हैं, बाकी सीजन में आप नर और मादा की पहचान नहीं कर पाओगे। बात करें अगर मेल और फीमेल को पहचानने के तरीके की, तो अगर बात करें फीमेल की दोस्तों, तो फीमेल का जो बॉडी पोर्शन है, जो पेट है दोस्तों, वो आपको उभरा हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा मानसून सीजन में आपका जो वेंट पोर्शन होता है, मछली का जो पेट साइज जो छोटा सा छिद्र होता है, वो आपको गोल लाल कलर का दिखाई देता है, ठीक है, ओवल शेप में, अंडे के आकार में दिखाई देता है। वहीं बात करें अगर मेल की दोस्तों, तो उनका जो बॉडी है वो आपको सिलेंड्रिकल शेप में दिखेगा। उसके अलावा उनका जो वेंट पोर्शन होता है वो आपकी ब्राउनिश कलर में और थोड़ा धब्बा टाइप का छोटा सा दिखाई देता है। फीमेल का जो वेन पोर्शन है वो आपको बड़ा दिखाई देगा और मेल का जो छिद्र है वो आपको छोटा दिखाई देगा। इसके अलावा मेल का जो मुंडी होता है वो भी छोटा रहता है फीमेल के मुकाबले। और यहाँ पर अगर बात करें मेल और फीमेल के भार की, तो मिनिमम आपके पास 150 ग्राम का या फिर 100 ग्राम से 150 ग्राम के बीच में आपके ब्रूडर्स का जो भार है वो होना चाहिए। सारे चीजों की उपलब्धता के बाद दोस्तों, आपको सबसे पहला काम करना है अपने ब्रूडर्स को एक महीना पहले से ही, मान लीजिए मानसून सीजन लगने वाली है, उसके एक महीना पहले से ही आपको उसको अपने ब्रूडर टैंक में या फिर एक छोटा सा गड्ढा बनाकर वहां पर आपको मेल फीमेल को तैयार करना है। यहाँ पर आपको उसको प्रोटीन युक्त आहार देना है जिसमें 32% तक का प्रोटीन लेवल उसमें होना चाहिए। ऐसा करके आप एक महीने में ही अच्छी क्वालिटी के ब्रूडर तैयार कर सकते हो, जिसमें उसके मिल्ट और एग की क्वालिटी और फर्टिलिटी दोनों ही बेहतर होगा। जितने अच्छा प्रोटीन युक्त आहार उनको मिलेगा, उनका हेल्थ और बच्चे की क्वालिटी भी उतनी ही अच्छी होगी। इन सारे प्रक्रिया के पश्चात दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आप अगर ब्रीडिंग मानसून सीजन लग गई और आपको ब्रीडिंग कराना है, तो सबसे पहला काम आपको अपने टैंक को तैयार करना है। टैंक में आपको दोस्तों जलकुंभी होता है, उसको अच्छे से कलेक्ट कर लीजिए दूसरे तालाब से या फिर हाइड्रिला को, और उसको अच्छे से धो करके दोस्तों आप अपने टैंक में डाल दीजिए। और अपने टैंक में आपको मिनिमम 15 से 20 सेंटीमीटर तक आपको अपने पानी का लेवल को मेंटेन करना है। पानी और जलकुंभी को डालने के पश्चात दोस्तों, दूसरा हमारा काम होता है मछली को इंजेक्शन लगाना। तो इंजेक्शन लगाने का दो तरीका होता है। पहला, या तो आप मछली के जो ऊपर का जो पंख रहता है बॉडी में, उसके बेस पर आप इंजेक्शन लगा सकते हो, या फिर मछली का जो बगल अगल बगल में जो पंख होता है ना दोस्तों, जिसको हम लोग पेक्टोरल फिन बोलते हैं, उसके बेस पर आप जो इंजेक्शन है उसको लगा सकते हो। बहुत लोग मछली का जो पूंछ होता है दोस्तों, जिसको हम लोग पैडल
पैडल कॉडल पेडंकल बोलते हैं, उसके बेस पर भी, पूंछ के बेस पर भी आप इंजेक्शन है वो लगा सकते हो, ठीक है। हार्मोन को कितने कितने डोज में आपको लगाना है, अगर बात करें ओवाटाइड या फिर ओवाप्रीम की, तो फीमेल में आपको दोस्तों 0.5 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से आपको फीमेल को लगाना है, मेल को 0.3 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से आपको मेल को ओवाटाइड या फिर ओवाप्रीम इंजेक्शन को आपको इंजेक्ट करना है। वही बात करें अगर आप HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को यूज कर रहे हैं, तो आपको फीमेल को दोस्तों 2000 आयु पर kg बॉडी वेट के हिसाब से फीमेल को और 1500 आयु पर kg बॉडी वेट के हिसाब से आपको मेल को इंजेक्शन लगाना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट हार्मोन का यूज कर रहे हैं, तो आपको फीमेल को 200 मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट के हिसाब से और मेल को आपको दोस्तों 15 मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट के हिसाब से आपको पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट हार्मोन को इंजेक्ट करना है। इंजेक्शन लगाने के दोस्तों 12 इंजेक्शन लगाया जैसे ही, उसके बाद हम उसको अपने टैंक में शिफ्ट कर देते हैं। टैंक में शिफ्ट करने के 15 घंटों के पश्चात ही दोस्तों मेल फीमेल है वो एक दूसरे से मेटिंग प्रोसेस है, प्रजनन की प्रक्रिया है वो शुरू करते हैं। इसमें आपका जो मान लीजिए ये आपका मेल है और ये फीमेल मछली है, तो फीमेल मछली की बॉडी में मेल मछली है वो चिपक जाती है और अपने प्रेस करती है उसके पेट को जैसे ही मेल है वो फीमेल के पेट को प्रेस करती है दोस्तों, तो उससे एग है वो बाहर निकलता है और मेल भी अपने जो अपना स्पर्म है उसको छोड़ता है और धीरे से वो एक दूसरे से फर्टिलाइज करके ऊपर में तैरने लगती है पानी की। तो इन सारे प्रोसेस को होते हुए टोटल आपका 24 घंटे में आपका पूरा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाता है और 72 घंटों में दोस्तों आपके अंडे से फूट करके जो लार्वा है, जो स्पॉन है दोस्तों, वो बाहर निकल आता है। इसकी सर्वाइवल रेट आपके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, 28 से 30 डिग्री आपके पानी का टेम्परेचर है वो आपकी होनी चाहिए। है दोस्तों वो प्रति केजी 10,000 तक मैक्सिमम बच्चे हैं वो प्रोड्यूस करती है, सॉरी एग निकालती है अपने पेट से, जिसमें से दोस्तों 36 से 50% तक की आपकी सर्वाइवल रेट है वो बचती है। 72 घंटों के पश्चात जैसे ही मछली स्पॉन है दोस्तों वो रेडी होती है, उसको हम लोगों को कलेक्ट करके अपने दूसरा जो टैंक हमने तैयार किया है रीरिंग टैंक, वहां पर आपको उसको शिफ्ट कर देना है, जहां पर पानी की जो गहराई है दोस्तों वो 5 से 6 फीट आपको मेंटेन करना है। वहां पर भी आपको हाइड्रिला या फिर जो जलकुंभी होती है उसको आपको डालना है ताकि बच्चों को एक नेचुरल इन्वायरमेंट मिल सके, और उसको ऊपर से आपको जाली से कवर भी कर देना है ताकि कोई भी चिड़िया वगैरह उसको बाहर मत निकाल के खा मत जाए। बच्चा दोस्तों जैसे ही स्पॉन तैयार होती है 3 दिनों में, वहां से आपको उस मछली जो स्पॉन है उसको फीडिंग कराना शुरू करते हैं। फीडिंग 2 प्रकार के कराते हैं, पहला आपका जूप्लैंकटन हो गया, आपको जूप्लैंकटन तालाब से कलेक्ट करके आप ला सकते हो या फिर एक छोटे से गड्ढे में आप फर्मेंटेट करके भी जूप्लैंकटन को तैयार कर सकते हो, तो आपको जूप्लैंकटन खिलाना है। अगर जूप्लैंकटन नहीं है तो आपको आर्टेमिया नोप्लाई आती है, उसको भी आप अपने स्पॉन को दोस्तों खिला सकते हो। ऐसा आपको 15 डेज तक लेके जाना है, 15 दिनों के पश्चात जो अंडा होता है उसको उबाल करके उसको क्रश कर लीजिए, उसको आपको एक क्लस्टर जो हमने क्रश किया है उसके साथ मिक्स करके आप 1 महीने तक आपको अपने स्पॉन को उसको खिलाना है। स्पॉन दोस्तों जैसे ही 15 से 20 mm साइज की आती है वो आपकी फ्राई साइज में कन्वर्ट हो जाती है। वहां से आपको मछली के डाइट को दोस्तों चेंज करना पड़ता है, अपने प्रोटीन लेवल को बढ़ाना पड़ता है। इसके लिए हम लोग उसको जो ट्यूबिभैक्स जिसको ब्लड वर्म बोलते हैं उसको आपको खिला सकते हैं चॉप करके, या फिर जो अर्थ वर्म होता है, केचुआ होता है, उसको भी आप काट करके आप अपने फाइव बच्चों को खिला सकते हो। बहुत जगह फिश मील और सोया मील, इसको आपको 3:1 में, मतलब 3% आपका फिश मील और 1% सोया मील, जिसमें आपकी प्रोटीन लेवल है वो 40 से 45% तक होती है, उसको आपको अपने फ्राई बच्चों को खिलाना है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत आती है दोस्तों, आपको पता ही है कि स्नेक हेड मछली में दोस्तों कैनिबलिज्म और की दिक्कत आती है। कैनिबलिज्म मतलब एक दूसरे को वो चोट पहुंचा सकती है या फिर एक दूसरे को खा सकती है, और यहाँ पर ग्रेडिंग भी आपको करना पड़ता है क्योंकि स्नेक हेड मछली में जो ग्रोथ पैरामीटर्स है दोस्तों वो एक साथ ग्रो नहीं करती, कोई मछली जल्दी ग्रो करेंगी कोई मछली लेट से ग्रो करेंगी, तो इसकी वजह से जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को डैमेज कर सकती है। तो आपको वीकली एक बार अपने बड़े साइज के जो भी बच्चे हैं उसको आपको दूसरे टैंक में शिफ्ट करना होता है। तो इस हिसाब से ही आप अपने टैंक का अरेंजमेंट करिए, या फिर छोटा सा आप नर्सरी तालाब बना लीजिए गड्ढा नुमा, वहां पर जो भी बड़ा साइज का बच्चा आपको दिखता है अपने छोटे टैंक में उसमें उसको शिफ्ट कर दीजिए। बहुत ही आसान तरीका है, इसमें आपको ना हेचरी बनाने की झंझट है, ना ही अलग से आपको रनिंग वाटर की जरूरत पड़ती है, बहुत ही स्टैग्नेंट वाटर और कम सुविधा साधन में आप इस मछली का ब्रीडिंग है वो कर सकते हो। तो किसान भाइयों इस तरीके से हम लोग अपने घर के गार्डन पर ही या फिर बैकयार्ड में ही हम लोग फ्राई जो स्नेक हेड मछली है उसको तैयार कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट लगता हो उसको नीचे कमेंट करिए, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं उसको भी नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ऑस्कर फिशरीज को चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए।